बहराइच भारत देश में स्थित उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। बहराइच जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य भाग में बसा हुआ है, जिस वजह से बहराइच जिला की सीमा नेपाल देश से मिलती है। आजादी के लड़ाई में बहराइच के लोगों ने अपना अहम योगदान दिया था। बहराइच जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 127 किलोमीटर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 680 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बहराइच जिला अपनी सीमाएं कई अन्य पड़ोसी जिलाओं से भी साझा करता है, जिसमें श्रावस्ती जिला, गोंडा जिला, सीतापुर जिला, बाराबंकी जिला और लखीमपुर खीरी जिला है। लगभग 4,696 वर्ग किलोमीटर में फैले बहराइच जिला की कुल आबादी साल 2011 जनगणना के अनुसार 34,87,000 से भी ऊपर है, जिसमें पुरुष की कुल आबादी 18,43,000 तथा महिला की कुल आबादी 15,20,000 के करीब है। धार्मिक दृष्टिकोण से बहराइच जिला में 65% हिंदू तथा 33% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। बहराइच जिला का हेडक्वार्टर ऑफिस बहराइच शहर में ही मौजूद है। आवागमन के दृष्टिकोण से बहराइच जिला सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं नंबर 1 सड़क मार्ग की। बहराइच जिला सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों, यहां से जाने के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध है। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 होकर गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, यह नेशनल हाईवे संख्या लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और गोरखपुर को जोड़ती है। नंबर 2 रेल मार्ग। बहराइच जिला रेल मार्ग से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जाने के लिए यह जिला रेल मुहैया भी प्रदान कराती है। वैसे दोस्तों, इस जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बहराइच रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का कोड है BRK। और यह रेलवे स्टेशन इन जिलावासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जिले के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।